चांस। जन्माष्टमी के दिन आप लोग क्या खा रहे हो ये? अबे ये मत। What's up guys? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गौरव गुरु। तो गाइस सीन कुछ ऐसा है, आज है जन्माष्टमी का दिन और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पहले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और बहुत दिनों के बाद आज धूप निकली तो मैंने सोचा आपको कहीं घुमा के लेके आऊँ। तो गाइस हम जा रहे हैं रामनगर से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर क्यारी गाँव। क्यारी गाँव बहुत अपने आप में एक बहुत मस्त विलेज है और जंगल के और कोसी के किनारे बसा हुआ विलेज है। जब आप भवानीगंज से हल्द्वानी की तरफ को जाएंगे तो लगभग एक बैरियर पड़ता है पीछे, इधर बैरियर पड़ता है और बैरियर के पास यहाँ पे एक कॉजवे है। कॉजवे से आपको लेफ्ट होना है, ये रास्ता क्यारी के लिए जाता है। क्यारी इधर को दिखा दीजिए, ये रास्ता जाता है क्यारी को। और गाइज मेरे साथ हैं आज, गैस करिए कौन होंगे, जानते ही हैं आप इनको, हमारे मित्र हैं ये। आज क्या पहना है आपने? हम नहीं सुधरेंगे, हम ऐसे रहेंगे। गाना नहीं सुना तुमने? कौन सा? ये तो हम नहीं सुधरेंगे। हाँ ठीक है गाइज, ये हमारे लक्की भाई, ये हमारे हर वीडियो में आपको दिख जाते हैं लगभग और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। चलो लक्की भाई, चलो ठीक है ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर, आप लोगों को मिलते हैं क्यारी में। तो गाइज अभी जैसे हम क्यारी को जा रहे थे और हमें रास्ते में एक बहुत पुराना जंगल के घने जंगल के बीच में एक मंदिर दिखाया। देखिए कितना प्राचीन मंदिर है और कैसे घने जंगल के बीच में बसा हुआ है, देखिए। और गाइज यहाँ पर हमें मिले हैं पंडित जी, तो हम पंडित जी से कुछ पूछते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी कितने समय से रह रहे हैं आप इस जंगल में? मेरे को हो गया कम 8 महीने। आपको डर नहीं लगता यहाँ? यहाँ तो जंगली जानवर काफी आते होंगे, काफी शेर हाथी सब हिरण पहाड़े सभी आते हैं। अच्छा सभी आते हैं? सभी आते हैं। तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं और ये बड़ के पेड़ भी काफी पुराने हैं। काफी पुराना। अच्छा पंडित जी यहाँ कुछ मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में, या मतलब कुछ ऐसा है? मानता बहुत कुछ है। अच्छा बहुत मान्यताएं हैं। तो गाइज यहाँ बाबा के चरणों में अपना सिर नमन करने के बाद अब हम जा रहे हैं क्यारी को। वैसे उम्मीद नहीं थी ऐसा जंगल के बीच में इतना अच्छा इतना पुराना मंदिर हमें देखने को मिलेगा। गाइस चलते हैं आगे क्यारी में। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। गेस किया आप लोगों ने? नहीं किया होगा। चलिए हम रिवील कर देते हैं अपना सरप्राइज। हेलो, सब लोगों से आप रूबरू हैं। चंदू थापा, मन्नू राणा ब्लॉग। हम नहीं सुधरेंगे। ये तो पहन के भी आएंगे। एक्चुअली पहले मन्नू राणा था, अब चंदू भाई की बदौलत अब मैं मन्नू राणा ब्लॉग हो चुका हूँ और मैं गुरुजी बन गया हूँ। सरनेम इनका केवल वैसे चेंज नहीं हुआ है, मतलब इनके ब्लॉग चैनल के लिए नाम चेंज हुआ है, केवल मन्नू राणा इनका जैसे नाम है, अब इनके चैनल का नाम है मन्नू राणा ब्लॉग, तो वो चेंज हुआ है केवल। गाइस अब हम अभी लेते हैं रिव्यू कि आप उनको क्यारी की लोकेशन कैसी लगी। मन्नू भाई आप क्यारी की लोकेशन आपको कैसी लगी, आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपको कैसा लगा ये बताइए, ओरिजिनल रिव्यू। यार मुझे तो मजा आ गया, गजब। मौसम भी इतना गजब हो रहा है और सामने रिवर है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बार बार यहाँ पे आते रहूँ, मजा आ गया कसम, दिल खुश हो गया। लक्की भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस लोकेशन के बारे में? एक्चुअली हम तो पहले आ चुके हैं, हम दोनों भाई आ चुका हूं आपके साथ। हां, तो मेरा यही कहना है कि 10 में से 10
दस में से दस। अच्छा गौरव भाई भी आज पहली बार आए हैं ना, गौरव भाई का तो यहाँ आना जाना लगा रहता है, मेरा आना जाना लगा इनका तो लगा ही रहता है। ये बताएंगे थोड़ा सा रिव्यू, मतलब कैसी लोकेशन है, मतलब लोकेशन काफी अच्छी है, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ा और आगे जाके बैठते, पर वहाँ बैठने में आपको ऐसे वो नहीं मिलता, मतलब ये ढाबा वगैरह नहीं मिलता, चेयर वगैरह नहीं होता, चेयर वगैरह नहीं मिल पाती, लेकिन लोकेशन उसकी ज्यादा बढ़िया है। तो चलिए उसको भी अनवेल करेंगे इसके बाद फिर। वहाँ पे हम क्यारी पे पहुँचे थे जहाँ मैंने आपको अपने फ्रेंड से मिलाया, वहाँ हम थोड़ा हल्का लिटिल मैगी में खाने के बाद और थोड़ा कोक पीने के बाद, और गाइज हम आए हैं ऐसी जगह जो आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करी है। जी हाँ, रामनगर के नज़दीक ऐसी लोकेशन है जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं करी है, फोटोग्राफी के लिए A1। तो गाइज मैं आपको दिखाता हूँ, गाइज इस नदी का नाम खिचड़ी नदी है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्थानीय निवासी से मैंने अभी पता किया, इस नदी का नाम खिचड़ी नदी है। चंदू भाई कैसा लगा इस नदी का नाम खिचड़ी नदी है? खिचड़ी में डूबना चाहता हूं। नहीं, तैरना तो अलग चीज है, पर थोड़ा खिचड़ी खाने का मन तो कर गया गाइस। अरे भाई चंदू को, मन्नू भाई उधर से है ना, उधर से ऐसे लो, ऐसे खिचड़ी नदी के बीच में, अरे ना ना, अरे यही रहो, स्वागत हो जाएगा जी, बिल्कुल। गाइस आप देखिए कितनी मस्त जगह है, मस्त जगह, बहुत मस्त लोकेशन है, बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन जगह है। तो गाइस क्यारी में मौज मस्ती करने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर को, और देखिए गाइस ये रास्ते में कितना सुंदर पुल पड़ता है। ये पुल अभी कुछ समय पहले बना है, उससे पहले गांव वाले आप देखेंगे कैसे कोसी के बीच में से ऐसे रास्ता था, ऐसे जाते थे, और बरसात में तो मतलब जी आप समझ जाएंगे फिर अब कैसे, ये गांव बरसात में बिल्कुल बाजार से जो है कट जाता था, और ये पुल इस गांव के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है बरसात में। अब देखिए कितना सुंदर पुल है, और हाँ इस पुल के नीचे टाइगर वगैरह काफी बार देखे गए, काफी बार स्पॉट किए गए हैं। तो गाइस इधर आप जब भी आए थोड़ा सावधानी बरतें और नजरें खोल के आए, क्योंकि ये कॉर्बेट है और यहाँ कभी भी हो सकता है टाइगर। एक टाइगर तो यह है, देखा ये देखा आपने, एक टाइगर यह है, दूसरा टाइगर ये सफेद वाला है, दार्जिलिंग में कहाँ होता सफेद वाला, ये मैं हरा टाइगर हूँ, और ये भाई सफेद टाइगर, सफेद वाला टाइगर, मतलब सारी वैरायटी है हमारे पास आज, ये ब्लैक टाइगर, खैर ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, इन्होंने तो अपना इन्होंने अपना होलमार्क ही बना लिया कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। ये वाला टाइगर ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा गाइस देखिए ये कॉर्बेट है, और कॉर्बेट में आपको पता है टाइगर तो पाए जाते हैं, और जैसा कि अभी हमने बताया हमारे पास दो, एक ग्रीन कलर का टाइगर है, एक वाइट कलर का टाइगर है, और ये टाइगर आपको कुछ दिखाना चाहता है, टाइगर ये अपना टैलेंट दिखाना चाहता है। तो गाइस ये जो ग्रीन टाइगर है और ये जो वाइट टाइगर है, ये आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, दिखाइए भाई। देखिए गाइस कॉर्बेट के टाइगर हैं। कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तुम तो हो गया चाचा। तो गाइस इसके साथ ही ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको जगह कैसी लगी।